नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास में VW की वेंटो गाड़ी आई हुई है और उसमें ये दिक्कत है कि अंदर मीटर के अंदर डिस्प्ले के एक चेक लाइट आ रही है और हीटर वाली तो लाइट आती है वो भी ब्लिंक कर रही है। तो हम इसके अंदर लगा के चेक करेंगे उसमें क्या कोड आ रहा है, क्या फॉल्ट आ रहा है। और अभी हम इसके अंदर लगा के चेक करते हैं, आपको बताते हैं कि हम इग्निशन ऑन करते हैं। तो मैंने इग्निशन ऑन कर दिया तो अंदर जो चेक लाइट है वो चेक लाइट आ रही है। स्टार्ट करते हैं तो हमने स्टार्ट कर लिया तो इसमें चेक लाइट बंद नहीं हो रही है। तो हम इसके अंदर लगा के चेक करेंगे तो उसमें क्या कोड आ रहा है, क्या फॉल्ट है। तो ये 1.6 TDR है, TDI है। तो हम कंट्रोल यूनिट में जाएंगे और ये चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। तो हम रेड DTC करेंगे, जैसे कि हमने रेड DTC कर लिया तो इसमें टर्बो साज है, बूस्ट सेंसर, ये सर्किट हाई बता रहा है, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर बता रहा है, कूलेंट पंप बी कंट्रोल सर्किट ओपन बता रहा है और कूलेंट पंप बी कंट्रोल सर्किट रेंज परफॉर्मेंस बता रहा है। तो ये जो ये कोड आ रहे हैं तो हम एक बार इसका DTC क्लियर करेंगे, DTC क्लियर करके चेक करेंगे कि इसमें क्या कोड आ रहा है, क्या फॉल्ट है। तो हमने DTC क्लियर कर दिया, अब हम स्टार्ट करके, तो हमने गाड़ी को स्टार्ट किया तो अंदर की चेक लाइट है ना वो बंद हो गई हैं। हम वापस बैक आएंगे और वापस इसको एक बार रीड करके चेक करेंगे। तो अभी हमने चेक किया तो इसमें अभी प्रॉब्लम नो कोड आ रहा है, नो फॉल्ट आ रहा है, कुछ भी फॉल्ट नहीं आ रहा है। तो हम वापस बैक जाएंगे, वापस एक बार ट्राई करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने वापस गाड़ी को एक्सीलेटर दिया, चेक किया तो उसमें ये कोड आ रहा है, कूलेंट पंप बी कंट्रोल सर्किट ओपन P261A00 कोड आ रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो कूलेंट पंप बी कंट्रोल सर्किट का बता रहा है। वापस बैक आएंगे, एक बार वापस रीड करेंगे, रीड करके चेक करेंगे तो इसमें जो कूलेंट पंप का कोड आ रहा है, जो बार बार चेक लाइट आती है रनिंग में, तो हम कूलेंट पंप चेक करेंगे, कूलेंट पंप देखेंगे। तो हम कूलेंट पंप का जो लोकेशन है वो चेक करते हैं और सर्किट ओपन बता रहा है तो वो हम चेक करेंगे। तो हमने चेक लगा दिया है और ये जो यहाँ पे दिया हुआ ये कूलेंट पंप है और ये जो कोड आता है बूस्ट प्रेशर का, ये वहाँ पे ये इसका लोकेशन है। तो हम ये कूलेंट पंप की वायरिंग चेक करेंगे। तो हम इसका जो कपलर बाहर निकाल के चेक करते हैं, पेचकस ला, ये कूलेंट पंप है। तो कूलेंट पंप की वायरिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे दो वायरिंग कटा हुआ है, कूलेंट पंप का दो वायरिंग कटा हुआ है। तो हम कूलेंट पंप की वायरिंग चेक करेंगे, ये जो कूलेंट पंप है उसके तीन तार लगे हुए हैं जिसमें से दो वायर कटे हुए हैं। हम इसका कपलर बाहर निकाल के चेक करते हैं, यहाँ पे दो वायर कटे हुए हैं वो हम एक बार इसका कपलर बाहर निकाल के चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं तो मैंने इसका कपलर जो रिमूव कर दिया और ये जो आता है ये तीन वायर का आते हैं जिसमें से दो वायर कटे हुए हैं और एक ही वायर लगा हुआ है कपलर में। ये जो कूलेंट पंप का है जो कोड आ रहा था कूलेंट पंप, तो इसका दो वायर कटे हुए हैं, ये तीन कपलर तीन वायर
का कपलर आता है, इसमें से ये दो बार कटे हुए हैं इसलिए वो रनिंग में बार बार चेक लाइट आती है, कोड आ रहा है। तो हम ये दो बार है ना उसको लगा के चेक करेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने ये तीनों वायर जो कटे हुए थे दो बार, तो वो मैंने लगा दिए हैं, कपला लगा दिया अच्छी तरह से सोल्डरिंग करके पाइप में लगा दिया है। तो हाँ, अभी मैं इसे कूलेंट पंप में ये वायर लगा देता हूँ जो वायरिंग कटा हुआ था, जो कोड भी आ रहा था। तो ये मैंने अभी ये कपलर इसमें लगा दिया है और वायर भी लगा दिया। अब हम इसके अंदर से नीचे से कलर करके चेक करते हैं, क्योंकि इसमें जो कोड आ रहा था वो कूलेंट ये कोड आ रहा था। तो हम एक बार इसको बैक आके एक डीटीसी रीड करेंगे और इंजन डीटीसी क्लियर करेंगे। तो हमने ये डीटीसी क्लियर कर दिया और वापस रीड करके चेक करेंगे। तो अभी इसमें नो कोड आ रहा है और हम स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट करके चेक कर लिया, तो इसमें चेक लाइट भी नहीं आ रही है। वापस डीटीसी क्लियर कर दिया, चेक करेंगे। तो